हाय फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैंने 4 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है और 2 प्लाई का ऊन। सबसे पहले हम गांठ लगा लेते हैं। इस तरह से अब हम इसमें चैन बनाएंगे। हमें यहाँ पे 25 चैन बनाने हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें 25 चैन बना लिए हैं। अब हम यहाँ पे डबल क्रोशिया के फंदे बनाएंगे। इस तरह से धागा लपेटेंगे और इस चैन में हम हुक डालकर यहाँ पे एक फंदा बनाएंगे। फिर धागा लपेटेंगे, फिर अब हम इस चैन में हुक डालकर एक फंदा बनाएंगे। इस तरह से हम सारे चैन में फंदे बनाएंगे। हमारे यहाँ पे 25 फंदे बन जाएंगे। हमें यहाँ पे 25 फंदे बनाने हैं डबल क्रोशिया के। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें 25 फंदे बना लिए हैं डबल क्रोशिया के। अब हम इसे पलट लेते हैं। अब हम इसके ऊपर 25 फंदे और बनाएंगे डबल क्रोशिया के। इस तरह से धागा लपेटेंगे, इस फंदे के ऊपर हम यहाँ पे हुक डालेंगे। इस तरह से फंदा बना देंगे, धागा लपेटेंगे। अब हम यहाँ पे हुक डालेंगे और यहाँ पे एक फंदा बनाएंगे। अब हम यहाँ पे हुक डालेंगे। इस तरह से हर फंदे के ऊपर हमें एक फंदा बनाते हुए यहाँ तक पूरे 25 फंदे बनाने हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसकी दूसरी लाइन बना ली है। अब हम इसे पलट लेते हैं। अब हम इसमें डिज़ाइन डालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया के फंदे बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार। अब हम यहाँ पे 2 चैन बनाएंगे। एक, दो। अब यहाँ पे देखिए, 1, 2, 3, ये 3 फंदों को छोड़कर हम यहाँ पे इस चौथे फंदे के, देखिए हम यहाँ बीच में यहाँ पे हुक डालेंगे। इस तरह से देखिए, हमने यहाँ पे 1, 2, 3, ये 3 चैन की तरह जो फंदे हैं हमने यहाँ पे छोड़ दिया है और यहाँ पे हमें यहाँ बीच में हुक डालना है और यहाँ पे डबल क्रोशे के फंदे बनाने हैं। यहाँ पे हम 1 और ये 2 फंदा हमने यहाँ पे बनाया। अब यहाँ पे 1 चैन बनाएंगे, फिर हम इसी में 2 फंदे और बनाएंगे। देखिए, जहाँ पे हमने ये 2 फंदे बनाए हैं हम यहीं पे हुक डालेंगे। देखिए इस तरह से,
और इसमें एक फंदा और बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे चार फंदे बनाने हैं बीच में। अब हम यहाँ पे दो चेन बनाएंगे, एक दो। अब यहाँ पे ये एक दो तीन, तीन चेन को छोड़कर हम यहाँ पे इस चेन में हुक डालेंगे और इस तरह से हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन। देखिए इस तरह से जितने फंदे हमने यहाँ पे छोड़े हैं उतने ही फंदे हमें यहाँ पे भी छोड़ने हैं। यहाँ पे हमने देखिए ये एक दो तीन छोड़ा है और यहाँ पे भी हमें ये एक दो तीन, तीन फंदे छोड़ने हैं। और यहाँ पे हमने बीच में हुक डाला है दोनों फंदों के बीच में, और यहाँ पे हमें इस ऊपर चेन की तरह जो बना है उसी में हम इस तीन फंदों को बनाएंगे। अब हम दो चेन बनाएंगे और यहाँ पे एक दो तीन, तीन फंदों को छोड़कर देखिए एक दो तीन हम यहाँ पे बीच में हुक डालेंगे। इस तरह से एक दो, और यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और फिर इसी में हम दो फंदे और बनाएंगे। एक दो, जिस तरह से हमने इस तितली को बनाया है उस तरह से हम ये तितली भी बनाएंगे। हमारे यहाँ इसे तितली वाले फंदे बोलते हैं। अब यहाँ पे हम दो चैन बनाएंगे, एक दो, और यहाँ पे हम तीन फंदे छोड़ेंगे, एक दो तीन, और इस फंदे में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, और यहाँ पे लास्ट में इस फंदे के अंदर हम ऐसे हुक डालकर यहाँ पे एक फंदा बना लेते हैं इस तरह से, चार। देखिए जिस तरह से इस साइड में हमने चार फंदे बनाए हैं इस तरह से हमें इस साइड भी चार फंदे बनाने हैं। ये हमारी एक लाइन कंप्लीट हो गई है डिज़ाइन की। अब हम इसे पलट लेते हैं। हम इन चार फंदों के ऊपर चार फंदा बनाएंगे, एक दो तीन। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हुक डालेंगे, देखिए इस तरह से इस चार फंदे के ऊपर हम चार फंदा बनाएंगे और पूरी तोरण की पट्टी में हम इस चार फंदे के ऊपर चार फंदे बनाते हुए पूरी पट्टी बनाएंगे। हमें इसमें बदलाव नहीं करने होते हैं, चेंजिंग नहीं करने होते हैं, हम इस चार फंदे के ऊपर चार फंदे बनाते हुए पूरी पट्टी बनाते हैं। अब यहाँ पे हम दो चेन बनाएंगे, एक दो। यहाँ पे देखिए धागा ऐसे लपेट कर हम यहाँ पे दोनों फंदों के बीच में यहाँ पे हुक डालेंगे। देखिए यहाँ बीच में हम यहाँ पे एक फंदा बनाएंगे इस तरह से,
और अब यहाँ पे बीच में हम यहाँ पे तीन फंदा बनाएंगे, एक दो तीन। और अब यहाँ पे यहाँ भी एक फंदा बनाएंगे, देखिए इस तरह से हमारे यहाँ पे पांच फंदे हो जाएंगे, एक दो तीन चार पांच। अब हम दो चैन बनाएंगे, एक दो, और इस तीन फंदे के ऊपर हम तीन फंदे बनाएंगे, यहाँ पे हुक डालेंगे, एक दो, यहाँ पे हुक डालेंगे तीन। देखिए इस तरह से अब हम यहाँ पे दो चैन बनाएंगे, एक दो, और यहाँ पे जिस तरह से हमने यहाँ पे बनाया है उस तरह से हम यहाँ पे भी बनाएंगे, यहाँ पे हुक डालेंगे और यहाँ पे एक फंदा बनाएंगे। अब यहाँ पे बीच में तीन फंदा बनाएंगे, दो, देखिए इस फंदे को लेकर यहाँ पे दो फंदे हो गए हैं, तीन चार। हम यहाँ पे एक फंदा बनाएंगे, देखिए इस तरह से यहाँ पे एक फंदा बनाना है और यहाँ पे एक फंदा बनाना है, और बीच वाले फंदे में हमें यहाँ पे तीन फंदे बनाने हैं, जिस तरह से हमने यहाँ पे बनाया है उसी तरह से। अब दो चैन बनाएंगे, एक दो, और यहाँ पे चार फंदे के ऊपर हम चार फंदे बनाएंगे, यहाँ पे हुक डालेंगे, एक दो तीन, यहाँ पे लास्ट में इस तरह से चार। देखिए ये हमारी दो लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे पलट लेते हैं और इस चार फंदे के ऊपर हम चार फंदे बनाएंगे, एक दो तीन चार। अब हम यहाँ पे दो चैन बनाएंगे, एक दो, देखिए अब हम यहाँ पे बीच में हुक डालेंगे, यहाँ फंदे के बीच में इस तरह से, और यहाँ पे एक फंदा बनाएंगे, देखिए इस तरह से, और यहाँ पे हुक डालेंगे, यहाँ पे हम दो फंदा बनाएंगे, देखिए एक फंदा बना लिया है और फिर इसी में हम हुक डालकर एक फंदा और बना देंगे, देखिए इस तरह से हम यहाँ पे दो फंदा बनाएंगे। हमारे यहाँ पे तीन फंदे हो गए हैं। अब हम यहाँ पे इस फंदे के ऊपर देखिए इस फंदे के अंदर ऐसे हुक डाल देंगे और यहाँ पे हम एक फंदा और बना लेंगे इस तरह से, देखिए इस तरह से बनाना है। तो हमारे यहाँ पे चार फंदे हो गए हैं। अब हम इस दोनों फंदों के बीच में दो फंदा बनाएंगे, एक
फिर हम इसी में हुक डालेंगे। देखिए इसी में हम हुक डालकर इस तरह से एक फंदा और बना लेंगे। अब हम यहाँ पे हुक डालेंगे और इसमें एक फंदा इस तरह से इसे बना लेंगे। देखिए हमारी डिज़ाइन की तीसरी लाइन है, यहाँ पे हमारे ये 1 2 3 4 5 6 7 हमारे यहाँ पे 7 फंदे बने हैं। हमने यहाँ पे 2 फंदे बनाए हैं इन दोनों फंदों के बीच में, और यहाँ पे फंदे 2 बनाए हैं इन दोनों फंदों के बीच में, और इस फंदे के ऊपर हमने एक फंदा बनाया है। तो यहाँ पे 7 फंदे बन गए हैं। अब हम 2 चैन बनाएंगे और इस 3 फंदे के ऊपर हम 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 3। अब 2 चैन बनाएंगे, 1 2, और जिस तरह से हमने यहाँ पे बनाया है उसी तरह से हम यहाँ पे भी बनाएंगे। यहाँ पे हुक डालेंगे, 1, अब यहाँ पे हुक डालेंगे, 2 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 में इस फंदे के ऊपर ऐसे हुक डालकर यहाँ पे हम एक फंदा बना देंगे। अब हम यहाँ पे बीच में 2 फंदे बनाएंगे। और यहाँ पे एक फंदा और बनाएंगे। देखिए इस तरह है हमारे यहाँ पे 7 फंदे हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम 2 चैन बनाएंगे, 1 2, और इस 4 फंदे के ऊपर हम 4 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4। देखिए हमारी डिज़ाइन की तीसरी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे पलट लेते हैं। इस 4 फंदे के ऊपर हम 4 फंदे बनाएंगे इस तरह से, 1 2 3 4। अब हम यहाँ पे 2 चैन बनाएंगे, 1 2, और हम यहाँ पे देखिए इस फंदे के बीच में यहाँ पे हुक डालेंगे, यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ पे एक फंदा बनाएंगे, 1। अब यहाँ पे इस फंदे के बीच में यहाँ पे हम एक फंदा बनाएंगे, 2। अब यहाँ पे हुक डालेंगे, 3।
चार, देखिए दोनों फंदों के बीच में हमें यहाँ पे हुक डालना है। पांच, छः, देखिए इस तरह से यहाँ पे हमें छः फंदे बनाने हैं। यहाँ पे दो चैन बनाएंगे, एक दो, और इन तीन फंदों के ऊपर हम तीन फंदे बनाएंगे, एक दो तीन। अब दो चैन बनाएंगे, एक दो, और जिस तरह से हमने यहाँ पे बनाया है फंदों के बीच में हमें हुक डालकर यहाँ पे छः फंदे बनाने हैं। इस तरह से हम यहाँ पे भी फंदों के बीच में इस तरह से हुक डालेंगे और यहाँ पे हम फंदे बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच छः। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे भी छः फंदे बनाएंगे जिस तरह से हमने यहाँ पे बनाए हैं। अब दो चैन बनाएंगे, एक दो, और यहाँ पे इन चार फंदे के ऊपर हम चार फंदे बनाएंगे, एक दो तीन चार। अब हम इसे पलट लेते हैं, देखिए इस तरह से हमारी ये लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम इस चार फंदे के ऊपर चार फंदे बनाएंगे, एक दो तीन चार। अब हम दो चैन बनाएंगे, एक दो, और देखिए इन दोनों फंदों के बीच में हम यहाँ पे हुक डालेंगे, दोनों फंदों के बीच में। अब हम यहाँ पे फंदे बनाएंगे, एक यहाँ पे बीच में हुक डालेंगे, दो, अब यहाँ पे बीच में हुक डालेंगे, तीन, यहाँ पे बीच में हुक डालेंगे, चार, पांच। देखिए इस तरह से एक दो तीन चार पांच, हमारे यहाँ पे पांच फंदे हो गए हैं। यहाँ पे हम दो चैन बनाएंगे, एक दो, यहाँ पे हम तीन फंदे बनाएंगे, एक दो तीन। अब हम दो चैन बनाएंगे, एक दो, हम यहाँ पे पांच फंदे बनाएंगे, यहाँ पे बीच में हुक डालेंगे, एक, जिस तरह से हमने यहाँ पे बनाया है उस तरह से हम यहाँ पे भी बनाएंगे। दो तीन चार
पाँच। अब दो चैन बनाएंगे, एक दो, और यहाँ पे चार फंदे के ऊपर हम चार फंदे बनाएंगे, एक दो तीन चार। देखिए इस तरह से हमारी ये लाइन कंप्लीट हो गई है। अब इसे पलट लेते हैं। यहाँ पे हम चार फंदे के ऊपर चार फंदे बनाएंगे, एक दो तीन चार। यहाँ पे हम दो चैन बनाएंगे, एक दो। देखिए यहाँ पे हम फंदों के बीच में हुक डालेंगे, जिस तरह से हम ये पूरी डिज़ाइन बनाते हुए आ रहे हैं उसी तरह से हम यहाँ पे बीच में हुक डालेंगे। यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक यहाँ पे हुक डालेंगे, दो तीन चार। अब यहाँ पे दो चैन बनाएंगे, एक दो, इस तीन फंदे के ऊपर हम तीन फंदे बनाएंगे, एक दो तीन। अब दो चैन बनाएंगे, एक दो, यहाँ पे हम चार फंदे बनाएंगे जिस तरह से हमने यहाँ पे बनाए हैं। एक दो तीन चार। यहाँ पे दो चैन बनाएंगे, एक दो, यहाँ पे हम चार फंदे बनाएंगे इसके ऊपर, एक दो तीन चार। देखिए इस तरह से हमारी ये लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे पलट लेते हैं। और इस चार फंदे के ऊपर हम चार फंदा बनाएंगे, एक दो तीन चार। अब हम दो चैन बनाएंगे, एक दो, और हम यहाँ पे बीच में हुक डालेंगे, यहाँ पे फंदा बनाएंगे, एक अब यहाँ पे हुक डालेंगे, दो अब यहाँ पे हुक डालेंगे, इस तरह से हम यहाँ पे तीन फंदे बनाएंगे। अब हम यहाँ पे दो चैन बनाएंगे, एक दो, अब यहाँ पे हम तीन फंदे बनाएंगे, एक दो तीन। देखिए इस तरह से, और जिस तरह से हमने यहाँ पे बनाया है उस तरह से हम यहाँ पे भी बनाएंगे, एक दो, यहाँ पे दो चैन बनाएंगे और यहाँ पे हम तीन फंदे बनाएंगे, एक यहाँ पे हुक डालेंगे, दो
यहाँ पे हुक डालेंगे तीन। अब दो चैन बनाएंगे, एक एक दो। अब हम यहाँ पे चार फंदे बनाएंगे, एक दो तीन चार। ठीक है, इस तरह से हमारी ये लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे पलट लेंगे, हम इस चार फंदे के ऊपर चार फंदे बनाएंगे, एक दो तीन चार। अब दो चैन बनाएंगे, एक दो। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे बीच में हुक डालेंगे, यहाँ पे एक फंदा बनाएंगे और यहाँ पे बीच में यहाँ पे हुक डालेंगे और यहाँ पे एक फंदा बनाएंगे। इस तरह से हमें यहाँ पे दो फंदा बनाना है। अब हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन, और इन तीन फंदे के ऊपर हम तीन फंदा बनाएंगे। देखिए इस तरह से, एक दो तीन। अब हम यहाँ पे तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन। जिस तरह से हमने यहाँ पे तीन चैन बनाया है उस तरह से हम यहाँ पे भी तीन चैन बनाएंगे। अब यहाँ पे इस तरह से हम एक फंदा बनाएंगे, देखिए इस तरह से, जिस तरह से हमने यहाँ पे दो फंदे बनाए हैं उस तरह से हमने यहाँ पे भी दो फंदे बनाए हैं। अब हम यहाँ पे दो चैन बनाएंगे, एक दो, और यहाँ पे चार फंदे के ऊपर हम चार फंदे बनाएंगे, एक दो तीन चार। देखिए इस तरह से हमारी ये लाइन कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हमारी डिज़ाइन की पूरी लाइनें कंप्लीट हो जाती हैं। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ लाइनों में हमारी डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब जब हम इसकी नेक्स्ट लाइन बनाएंगे तो हम ये वाली लाइन बनाएंगे, यहाँ हम पहले से फिर से स्टार्ट करेंगे। देखिए इसे पलट लेते हैं और ये वाली लाइन हम इसके ऊपर बनाएंगे। हम यहाँ से शुरू करेंगे, फिर इसके ऊपर हम यहाँ से ऐसे बनाते हुए पूरी पट्टी कंप्लीट करेंगे। चार फंदे के ऊपर चार फंदा बनाएंगे, एक दो तीन चार। हमने सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे तीन तीन चैन लिया है, बाकी सारे चैन दो दो चैन हमें बनाने हैं। यहाँ पे भी हम दो चैन बनाएंगे, एक दो, और यहाँ पे देखिए बीच में हम यहाँ पे हुक डालेंगे जिस तरह से हमने यहाँ पे हुक डाला है, जिस तरह से हमने यहाँ पे फंदे बनाए हैं उसी तरह से हम यहाँ पे फंदे बनाएंगे। ये इस तरह से, एक दो।
यहाँ पे देखिए दो फंदे बनाने के बाद हम यहाँ पे एक चेन बनाएंगे इस तरह से, जिस तरह से हमने यहाँ पे एक चेन बनाया था इस नीचे वाली लाइन में, उसी तरह से हम यहाँ पे भी बनाएंगे। और यहाँ पे इसी फंदे के बीच में हम हुक डालकर दो फंदे और बनाएंगे, एक फिर इसी में हुक डालेंगे दो, देखिए इस तरह से। अब दो चैन बनाएंगे, एक दो, इस तीन फंदे के ऊपर हम तीन फंदा बनाएंगे, एक दो तीन। अब हम दो चैन बनाएंगे, एक दो, और यहाँ पे बीच में हुक डालेंगे और दो फंदा बनाएंगे, एक दो। अब एक चैन बनाएंगे, एक, अब इसी में हुक डालेंगे और दो फंदा बनाएंगे, एक दो, देखिए इस तरह से। जैसे हम यहाँ पे बनाए हैं उसी तरह से हम यहाँ पे भी बनाए हैं। अब दो चैन बनाएंगे, एक दो, और इस चार फंदे के ऊपर हम चार फंदा बनाएंगे, एक दो तीन। अब इसे पलट लेंगे और इस पे हम ये वाली लाइन बनाएंगे, देखिए हम ये वाली लाइन हम यहाँ पे बनाएंगे, हमने ये वाली लाइन बनाई है यहाँ पे, अब हम ये वाली लाइन यहाँ पे बनाएंगे। इसी तरह से हम ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे इसके ऊपर। इस तरह से चार फंदे के ऊपर हम चार फंदा बनाएंगे, अब यहाँ पे दो चैन बनाएंगे, एक दो, यहाँ पे हुक डालेंगे और एक फंदा बनाएंगे, और यहाँ पे बीच में हुक डालेंगे और तीन फंदा बनाएंगे, एक दो तीन। यहाँ पे हुक डालेंगे, एक फंदा बनाएंगे, देखिए इस तरह से। जिस तरह से हमने ये वाली लाइन बनाई है ये वाली, उसी तरह से हम ये वाली लाइन बना करके कंप्लीट कर लेंगे, देखिए इस तरह से हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी। अब पूरी पट्टी में हमें ये वाली लाइन, ये जो चार फंदे वाली लाइन है पूरी पट्टी में हमें ऐसे ही बनाना है, और ये जो तीन फंदा हम बना रहे हैं ये भी इसी तरह से बनाया जाएगा, और इस साइड भी हम इसी तरह से बनाएंगे। जितनी बड़ी आपको पट्टी बनानी है उस हिसाब से आप इसकी लंबाई रखिए, और इसके ऊपर हम यही लाइनें रिपीट करते हुए आगे पूरी पट्टी बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, जब इस तरह से आप पट्टी की पूरी लंबाई बना लेंगी जितना लंबाई आपको चाहिए पट्टी की, देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन रिपीट करते हुए जब आप पूरी पट्टी बना लेंगी, तो यहाँ पे हमें लास्ट में इसके फंदे बंद करने रहेंगे। जब आपकी पूरी पट्टी तैयार हो जाए जितनी लंबाई आपको चाहिए, उसके बाद आप इस तरह से यहाँ पे फंदे लास्ट में बंद कर दीजिएगा। देखिए इस चार फंदे के ऊपर हम चार फंदे बनाएंगे, एक दो तीन चार,
और यहाँ पे देखिए इस चैन में हम यहाँ पे दो फंदे बनाएंगे। एक, फिर इस यहीं पे हम हुक डालेंगे और एक फंदा और बनाएंगे इसमें दो। देखिए अब हम यहाँ पे हुक डालेंगे इस तरह से, यहाँ पे एक फंदा बनाएंगे। अब हम यहाँ पे हुक डालेंगे, यहाँ पे एक फंदा बनाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे हम हुक डालेंगे, यहाँ पे हम एक फंदा बनाएंगे और हम यहाँ पे अब जाली में दो फंदा बनाएंगे। एक, फिर हम यहीं पे हुक डालेंगे दो। देखिए इस तरह से हमारे ये फंदे बंद हो जाएंगे और इस तीन फंदे के ऊपर हम तीन फंदा बनाएंगे। एक, दो, तीन। और इस चैन में हम दो फंदा बनाएंगे। एक, दो। हम यहाँ पे अब हुक डालेंगे। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे एक फंदा बनाएंगे। यहाँ पे हुक डालेंगे, यहाँ पे एक फंदा बनाएंगे। यहाँ पे हुक डालेंगे और यहाँ पे एक फंदा बनाएंगे। और इस चैन में हम दो फंदा बनाएंगे। इस तरह से और इस चार फंदे के ऊपर हम चार फंदा बनाएंगे। देखिए इस तरह से जिस तरह से हमने यहाँ पे 25 फंदे बनाए हैं उस तरह से हमने यहाँ पे भी 25 फंदे बना लिए हैं। यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि जितने फंदे हमारे यहाँ पे हैं उतने फंदे हमारे यहाँ पे होने चाहिए। 25 फंदे मैंने यहाँ पे रखे हैं तो इस लाइन में भी मेरे 25 फंदे आ गए हैं। अब इसे पलट कर हम यहाँ पे इसके ऊपर फिर 25 फंदे फिर से बना लेंगे। जिस तरह से हमने यहाँ पे ये दो लाइन बनाई है 25 फंदों की उस तरह से हम यहाँ पे भी दो लाइन बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसके फंदे बंद कर दिए हैं। मैंने यहाँ पे दोनों लाइनें बना ली हैं। जिस तरह से यहाँ पे शुरुआत में हमारी ये दो लाइन रहती है उस तरह से मैंने यहाँ पे लास्ट में भी बना लिए हैं। जब आप पूरी पट्टी बना लें तो आप इस तरह से यहाँ पे इसके फंदे इस तरह से बंद कर दें। यहाँ पे इसे अब धागे को हम यहाँ पे कट कर देंगे
हमारी इस तरह से यह पट्टी तैयार हो जाएगी।